मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर व्लॉग। तो घर पूरा खाली हो चुका है, कुछ भी नहीं है अब घर में इस वायर के अलावा। सब कुछ हमने निकाल लिया है। और बोलते हैं ना कि होम एंड हाउस में फ़र्क होता है। होम तब होता है जब उन लोग रहते हैं, सामान उनका रहता है, सारी चीज़ें होती है। एंड हाउस इज़ जस्ट एन एम्प्टी नेकेड फ्लैट, तो वो अब हाउस हो गया है। और इस घर के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। माय जिया हैज़ बीन बॉर्न हियर, तो मेरे लिए ये घर बहुत स्पेशल है। सूरत बहुत स्पेशल है बिकॉज इट हैज़ गिवन अस अ लॉट्स ऑफ मेमोरीज टू चेरिश। और बस सारा घर खाली करके अभी हम, कल तो सामान चला गया था, अभी हम भी जा रहे हैं। शंभू को मैंने रख लिया है गाड़ी में और सिम्बा जी यहाँ पर है। इन दोनों को भी पता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि अब यहाँ भोपाल जाने का डिसीजन मुझसे पूछ कर लिया गया था, तो तभी भी मेरे को जाने का मन नहीं कर रहा। इनसे तो किसी ने पूछा ही नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट दीज आर डॉग्स, बट मतलब एक सोचती हूँ मैं ऐसा कि यार इनको तो पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, उठा के बस चल दो, अपने पीछे आते हैं। सो आई थिंक कि मतलब बहुत यू नो सेंसिटिव चीज़ हो जाती है वो चीज़ मेरे लिए। बट फाइन, ये हमारे साथ रहेंगे जब तक सेफ रहेंगे। इनके लिए हर चीज़ हमने उनके हिसाब से एडजस्टमेंट सारी की है, गाड़ी की भी, वहाँ घर की भी, घुमाने की। एवरीथिंग हैज़ बीन डन वेरी नाइसली फॉर देम। सो आई होप कि वहाँ जाने के बाद भी ये लोग वैसे ही खुशी से रहे हमारे साथ में। सो दिस इज़ द लास्ट टाइम आई शो यू माई होम। ये सारा चीज़ें खाली हो गई हैं यहाँ। और लिटरली संगीता तो इतनी छुट्टियाँ लेती थी, लेकिन उसको भी मतलब इतना अटैचमेंट हो गया था। शी वॉज ऑल्सो क्राइंग यस्टरडे। आशीष भाई आए थे, ही वॉज क्राइंग। राधा के आंखों में भी आंसू थे। एवरी वन, मतलब जो भी हमारे कॉन्टैक्ट में जितने भी फ्रेंड्स बने हैं, एवरी वन इज़ यू नो हैज़ अ हैवी हार्ट राइट नाउ। तो फाइन, कहते हैं ना कि वो चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग ऑन द प्लैनेट। सो चेंज इज़ हैपनिंग एंड वी हैव टू टेक इट पॉजिटिवली। सूरत छोड़ने में एक अलग चीज़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जियो का बर्थ हुआ है। आई हैव बीन रीबॉर्न हियर, सो सूरत इज गोइंग टू स्टे वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट ऑलवेज। पुणे से जब निकली थी तब वैसी फीलिंग नहीं थी। दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट फीलिंग फॉर मी। सो फाइन, द लास्ट गुड बाय टू द होम। और बच्चे जहाँ पर भी जाएंगे हमारे साथ, बहुत अच्छे से, खुशी से, सेफली हम उनको रखने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग सिम्बा शेर को बहुत सारा प्यार दीजिए और हमको भी हैप्पी जर्नी कहिए क्योंकि अभी हमको बहुत लंबी जर्नी करनी है। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई विल बी ट्रैवलिंग बाई कार टू अ डिफरेंट सिटी। मतलब इतना दूर का, पुणे से गुजरात में आ चुकी हूँ, बट दिस इज़ अ लॉन्गर डिस्टेंस, 700 किलोमीटर्स है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। सो बस सब कुछ सही से हो जाए, माता रानी सबका आशीर्वाद सब पे बनाए रखिए। बस जय माता दी कहते हैं और चलते हैं अब नीचे। वहाँ पर ये सारा नज़ारा मुझे देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये खेतों में भी मेरी बहुत सारी मेमोरीज बनी हुई हैं। यहाँ पर मैं इतने व्लॉग्स बनाई हूँ, इतने वीडियोस मेरे हैं, मैं उनको देखकर बहुत याद करूँगी। फाइन, छोड़ने आया है, उसको पता ही नहीं। अब सब जा रहे हैं घूमने दमन। लास्ट टाइम कैंपस में घूम रहा है ये जियो की गार्डन। यहाँ पे भी उसकी बहुत मेमोरीज है। गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, लेकिन जियो को लग रहा है कि वो जा रही है घूमने करने। लल्ला बिल्कुल 5 बजे से उठ के आ गया है जियो को गुड बाय कहने को। मम्मी आ गई, ये सामान थोड़ा बहुत आ गया डेकोर में, और ये दोनों मुस्टंडे यहाँ पर हैं। बाय बाय, सेट डाउन, काका को भी बाय बाय, चलो चलो राधा, ध्यान रखना। ओ बेटा, अरे ले ले ले। यार मेरा सब ले आए थे ना। लल्ला की आवाज, सिम्बू सेट डाउन, सब लोग चल रहे हैं ना साथ में, सिट डाउन, बाय। चलो भाई, सब लोग रोज आके चले हैं अभी। इसी चालू हो गया
बंद कर दो इसको। सिट डाउन ना बेटा। ये खेत में भाई लास्ट टाइम देख लो, अब मेरे व्लॉग में कुछ और आएगा ना। अभी इतना हरियाली नहीं देखने मिलेगी व्लॉग में। को बहुत एंजाइटी हो जाती है कार गाड़ी में, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस हमेशा ऐसा रहा है ना कि जब भी वो कार में चढ़ा है वो सीधे हॉस्टल ही गया है। इसलिए आज हम साथ में हैं तो भी थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम जा रही है, पर आधा घंटा लगेगा उसको थोड़ा नॉर्मल होने में। सिंबू लाइ डाउन। सिंबू शेरू इतने ज़्यादा हाइपर हो गए हैं ना, वो ना बैठ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, खड़े के खड़े हैं और बिल्कुल हाफ रहे हैं। मतलब बच्चों को रिलोकेट करने में यही ना दिक्कत होती है कि उनको एंग्जाइटी इश्यूज बहुत होती है। एनिमल्स में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज होती है। जिम्मू भाई रुक गया है नाश्ता करने के लिए, है ना जिम्मू? जिम्मू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसको फीवर भी आ रही है और उसको वॉमिट हो रहा है। तो हमको तो नहीं पता, समझ में आ रहा है कि जर्नी कैसे ख़त्म होने वाली है। देखिए दोनों लोग बिल्कुल हाफ हाफ के परेशान हो गए हैं। मतलब घर से अभी कितने दूर आ गए, 2.5-3 घंटे दूर आ गए हैं, पर इन लोग की एंजाइटी ख़त्म ही नहीं हो रही है। सच में पेट्स के साथ में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ऐसे ही ब्रीड्स के साथ जो एग्रेसिव भी होते हैं। और मेन तो इनको कार में बैठने की इतनी आदत भी नहीं, तो उसके चक्कर में ना इन लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं और हमको भी परेशान कर रहे हैं। अभी वो नीचे कूद गया था, तो ऐसे सब चीज़ें हो रही है, तो बहुत टेंशन भी हो रही है, गुस्सा भी आ रही है, सब चीज़ें हमारे साथ भी हो रही है। मतलब बहुत जेन्यून है ना यार, बच्चा है गाड़ी में, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसको डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए अचानक से कुछ इनकी हरकत से। सारी चीज़ों को मैनेज करते करते बस भगवान सही सलामत हमको पहुँचा दे। हाँ भाई ऐसे इनको पानी पिला रहा है पकड़ के, वो कूद जाएंगे हाईवे में भागेंगे। बोल रहा है भाई जिम्मू अपने दोनों भाइयों को लेके जा रहा है। जैसे ही हम 12-12.5 बजे तक ऐसा था कि दाहोद वगैरह हमने क्रॉस किया, लगा कि खाना आगे खा लेंगे 1:30-2 बजे तक में, अब यहाँ कहीं खाना नहीं मिल रहा है।
पे सीएनजी भरवाने के लिए रुके थे, तो यहाँ पर भी सिम्बा शेरू को भी खाना खिला रहा है। दोपहर में छाछ पिला दिया था, अब 4:30 बज रहे हैं, इनके खाने का टाइम हो गया है, तो इनको यहाँ पर ही खिला दे रहे हैं। सिम्बू दादा हमारी गाड़ी पकड़ लिया है, लिया था कुछ रीजन से, लेकिन उन्होंने बोला कि जाने दो, तो हम जा रहे हैं। आधा घंटा हमारा ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है और हम सोच रहे थे कि टाइम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन अब आधे घंटे और उसमें लग जाएंगे। अभी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शेरू सिम्बू को भाई फिर से एक स्टॉपेज दे दिया है, यहाँ पे सब लोग चाय वाय पियेंगे अगर होगा, मिलती हो तो पता नहीं, लेकिन सिम्बा शेरू को ना यहाँ पे हमने पानी और खाना आना खिलाने के लिए रोक लिया है गाड़ी। अब मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, जीव तो सो ही गई है, जाग गया था बेटा, जीव जाग गई है, मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है, मेरी तो कमर ही बैठ गई है, बैठे बैठे गाड़ी इतनी बड़ी है लेकिन बैठने के लिए सामान इतना हो गया है कि वो ऐसा लग रहा है कि हम लोग नैनो में आ रहे हैं, सामान और सिम्बा शेरू सब ऐसे बहुत स्पेस। लेकिन सिम्बू शेरू ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया है, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया, मतलब जब से निकले हैं तब से अभी तक ना वो शांति से बैठे ही नहीं है, बहुत मतलब पता नहीं पेट्स कैसा होता होगा, क्योंकि इतनी लॉन्ग डिस्टेंस तो हमने भी फर्स्ट टाइम, खुद भी जर्नी फर्स्ट टाइम की है मैंने तो कार से इतने दूर की, और सिम्बा शेरू तो फर्स्ट टाइम है, मुझे एक दो बार पुणे से आया है सिम्बा, बट वो 6-7 घंटे का रहता है तो आराम से आ जाता था, बट ये अब हो गए सुबह से निकले हुए 5-6 बजे से, अब शाम के 7-8 बज रहे हैं, अभी 10 बजने वाले हैं हमको पहुँचने में, बहुत देर से किस बात पे लड़ाई हो रही है तो बहुत गाड़ी में भी लड़ लिए, अब यहाँ पर भी लड़ रहे हैं। तो फाइनली हम लोग भोपाल पहुंच चुके हैं, अपने घर के अंदर पहुंच चुके हैं। मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो अभी मैंने पहुंचने की वीडियो नहीं बना पाई हूँ मैं, बस अभी सब लोग खाना ऑर्डर किया था ओनर के घर पर ही, तो वो अभी दे के जाएंगे खाना, हम खाना पीना खा के सोने वाले हैं अभी, और आपसे मिलते हैं कल नए व्लॉग में, और भोपाल की जो अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में हम बहुत सारे वीडियोस अब बनाएंगे, आप लोग उसको ज़रूर से देखना, सिम्बा शेरू को बहुत सारा प्यार देना, और सिम्बा शेरू के साथ की जर्नी आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट्स में बताना, क्या आपने आपके पेट के साथ कभी ट्रैवल किया है, आपको क्या प्रॉब्लम्स आई, वो सारी चीज़ें आप हमको कमेंट्स में ज़रूर लिखना। बस इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं एंड, और नए ब्लॉग में मिलते हैं आपको एक नई जगह से, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।